हेलो, वेलकम टू प्रथम आईएएस। तो देखिए, आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं नेशनल ट्राइबल डांस के बारे में। तो आपको पता होगा कि अभी थर्ड नेशनल ट्राइबल डांस जो है आपको छत्तीसगढ़ में आयोजित किया गया, और सबसे पहले इसकी स्टार्टिंग 2019 में हुई थी। 2020 में कोविड के कारण से इसको पोस्टपोन कर दिया गया था, और जो है आपको 2021 में सेकेंड हुआ था, 2022 में थर्ड हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये 3 दिन का फेस्टिवल था। 1 नवंबर से लेकर के 3 नवंबर तक इसको आयोजित किया गया, और इसमें 10 फॉरेन कंट्री जैसे मोजाम्बिक हो गया, आपको सर्बिया, रसिया, ये सब, इन लोगों ने 10 कंट्रीज ने पार्टिसिपेशन किया, और इंडिया के साथ एक इंडिया भी था, तो आपको 11th। हमारे पड़ोसी जो इसमें देश थी वो मालदीव्स था, ठीक है, जो पार्टिसिपेट किया इसमें। तो हम यहाँ पे एक्चुअली में करेंगे क्या, आपको पता होना चाहिए कि जैसे एज पर द सर्बिया जो लीडर थे इनके डांस ग्रुप के, उनका कहना था कि सर्बिया में, ओल्ड सर्बिया में वुमेन और मेन को मीटिंग बाहर में, मतलब आउट ऑफ द प्राइवेसी प्लेस, बहुत मुश्किल हुआ करता था। तो इसलिए लोगों का एक ही जरिया था कि वो डांस करके आपस में एक दूसरे से पास कर जाए। दूसरा, डांस का इम्पोर्टेंस क्या होता है कि कल्चरली जो हेरिटेज होता है, आजकल के जो मॉडर्न युग में जो है ना, पुरानी ओल्ड वर्जन्स के जो भी रिचुअल्स है, कस्टम है, उसको जो 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 ट्रेडिशंस होती है उसको आगे बढ़ाने का एक यही जरिया है कि आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके के फोक नृत्य करो, ठीक है, गाना गाओ, सिंगिंग गाओ। तो इन सब के कारण से यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जो डांस है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं ये डेटा, तो इसमें जो फर्स्ट है, दैट इज, मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ, दैट इज कर्मा डांस। तो देखिए, कर्मा डांस जो है ना, ये मध्य प्रदेश की एक डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे बहुत फेमस है, और ये छत्तीसगढ़ में भी इसको मनाया जाता है। रीजन क्या है कि छत्तीसगढ़ जो है पहले मध्य प्रदेश का पार्ट हुआ करता था, और ये एक हार्वेस्टिंग और एग्रीकल्चर से रिलेटेड डांस है। इसको बैगा ट्राइब जो है इसको सेलिब्रेट करते हैं, और इसमें स्पेशली वुमेन जो है ना वो डार्क कपड़ों में जो है एक तरीके से ड्रेस्ड होती है, साड़ीज पहन के, और हेड बैंड ऊपर में जो है आपको सर पे एक हेड बैंड होता है, और परफॉर्म करते हैं डांस को, ठीक है। और ये एक्चुअली में कलेक्टिव हारमोनी, पीस, प्रोस्पेरिटी की एक तरीके से पहचान होती है, ठीक है। इसके बाद आता है आपका सैताम डांस। सैताम डांस एक जुगलबंदी होता है जिसमें मेलोडी और रिदम दोनों, देखिए जुगलबंदी कहने का मतलब दो ग्रुप में होते हैं, ठीक है, और एक के गाना ख़त्म होने के बाद दूसरे लोग जो है गाना स्टार्ट करते हैं, उसको बोलते हैं जुगलबंदी यहाँ पे, ठीक है। ये मध्य प्रदेश का डांस है, और इसको एक ऑस्पियस ओकेजन, हार्वेस्ट और वेरियस फेस्टिवल से जुड़ा हुआ ये एक डांस है, ठीक है। फिर है आपका रथवा डांस, ठीक है। रथवा डांस गुजरात की डांस है, इसको वुमेन ही परफॉर्म करते हैं, और देखिए यहाँ पे जो जुगलबंदी है तो इसमें वुमेन के साथ साथ मेन भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ स्पेशली मेंशन नहीं है, ठीक है। बट रथवा जो है केवल वुमेन परफॉर्म करती है, इसमें जो भी महिलाएं वो ब्राइटली कलर्ड एट्रैक्टिव कपड़े पहनती है, ठीक है। और ये नोबैटिक ट्राइब जो रथवा होता है उससे आपको बिलोंग करता है, ठीक है, रथवा कम्युनिटी इसको सेलिब्रेट करता है। हालांकि अगर आप देखोगे तो ये जो रथवा कम्युनिटी है ओरिजिनली उदयपुर जो गुजरात में एक डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे रहते हैं, और उस पार्टिकुलर रीजन में ये जो रथवा डांस है उसको रथवा नृत्य के नाम से जाना जाता है, ठीक है, उदयपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात, ठीक है। थर्ड है इसमें कुनबी डांस। तो कुनबी डांस जो है ये कुनबी ट्राइबल जो है गोवा के वो सेलिब्रेट करते हैं कुनबी डांस, ठीक है, और ये गोवा के मोस्ट एंशियंट फोक ट्रेडिशन में से एक है आपको, ठीक है। फिर उसके बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं, उसके बाद है आपका यहाँ पे हो डांस। देखिए हो डांस जो है ना ये झारखंड का, एक्चुअली में हो डांस भी इसको कहते हैं, और ये मैरिड कपल के लिए है, कपल्स के लिए है, ठीक है, और ये प्रोस्पेरिटी और प्रोग्रेस का साइन है, ठीक है। इसे हो कम्युनिटी मनाते हैं जो मुंडा कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, और इनका जो लैंग्वेज होता है वो अंगनेया लैंग्वेज से भी एक तरीके से आप बोल सकते हो बिलोंग करता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्राइबल डांसेस थी जो कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। उम्मीद करते हैं कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।